दोस्तों बात है 1992 वर्ल्ड कप की, जब दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरे 22 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रही थी और वे इस वर्ल्ड कप में अपना पहला वर्ल्ड कप खेलने के लिए और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल मैच में अपनी जगह बना ली थी, जिसमें उनका सामना था इंग्लैंड की टीम के साथ। लेकिन दोस्तों इस मैच में करीब 12 मिनट तक की बारिश होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल दोस्तों इस मैच में हुआ यूं था कि जब दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए 13 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी, तभी बारिश शुरू हो गई। और दोस्तों 1992 वर्ल्ड कप में एक नया डकवर्थ लुईस नियम लागू किया गया था, के तहत जब बारिश रुकने के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ तो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि अब दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए 7 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत है। लेकिन दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था और बल्लेबाजों के क्रीज तक आते आते 7 बॉलों को घटाकर 1 बॉल कर दिया और 1 बॉल में 22 रन बनाना तो असंभव था। और दोस्तों इस तरह उस दिन दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ क्रिकेट जगत की भी बुरी तरीके से हार हुई।